बांग्लादेश के क्रिकेट टीम के प्लेयर मुस्तफिज रहमान ने कुछ ऐसा कर दिया आईपीएल के अंदर, जिसे देखने के बाद पब्लिक ने बोला कि वह क्या प्लेयर है। क्योंकि आपसे बता दूं, चेन्नई टीम के अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है और पहले मैच के अंदर जो कमाल करके दिखाया, मतलब 4 विकेट लिए अकेले ने, और कहीं ना कहीं आपसे बता दूं उनकी बदौलत चेन्नई टीम कहीं ना कहीं जीत पाई। और ऐसे में आपसे बता दूं, जैसी जीत पाई उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके नाम के कई सारे ट्रेंड चलने लगे, लेकिन ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसी मतलब ऐसी चीज़ कर दी जिसके लिए पब्लिक उनकी दीवानी हो चुकी, जिसके लिए पब्लिक ने उनको सलाम कर दिया। आप सभी को बता दूं, अगर आप चेन्नई के बाकी टी शर्ट पे देखेंगे तो एक अल्कोहल की जो आपको साइड में दिखी रहा हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा हूँ, एक प्रमोशन कर रहे बाकी प्लेयर, मतलब ये अल्कोहल है, शराब का ब्रांड है उसका, जिसका प्रमोशन किया जा रहा है आपको साइड में दिख ही रहा होगा। अब ऐसे में जितने भी प्लेयर वो प्रमोशन कर रहे, लेकिन मुस्तफिज रहमान एक मुसलमान है और मुसलमानों के अंदर इस्लाम के अंदर शराब बिल्कुल हराम है, शराब पी भी सकते नहीं, उसका प्रमोशन भी कर नहीं सकते। लेकिन मुस्तफिज रहमान ने ऐसी चीज किया, मुस्तफिज रहमान ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो ब्रांड का जो प्रमोशन रहता है वो अपने यहाँ पर लगाए नहीं, डायरेक्ट मना कर दिया, और इसके जो चार्ज जो पैसा है वो पैसा कटेगा, मतलब उन्होंने पैसों की परवाह नहीं की लेकिन अपने इस्लाम की परवाह की और ये ब्रांड लगाए नहीं, ताकि लोग गलत आदतों में पड़े, ताकि लोग गलत चीज़ करें, शराब पीना शुरू करें, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ें की। अपने आप में एक बड़ी बात है, और ये वाली चीज़ को लेकर लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करें, लोग बोले वाह क्या बात की, मतलब इतना बड़ा प्लेयर, मतलब करोड़ रुपये मिलते हैं यहाँ पर बिल्ला लगाने के, लेकिन उन्होंने करोड़ रुपये देखा नहीं, अपने इस्लाम की एक बड़ी बात देखी कि ये हराम है तो हराम है, इसको हटा दो, तो उन्होंने हटा दिया और सारे प्लेयर लगा रहे, तो लोगों को ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, शुरू जितना हो सके उतना शेयर करना फैलाई, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों को पता चले कि प्लेयर ऐसी भी होते हैं जो पैसों को नहीं देखते। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।